बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल अर्बन टिप्स एंड ट्रिक्स दैट मेड लाइफ इजी। इसमें आज हम आपको चिकन कोफ्ते बनाने की रेसिपी देने जा रहे हैं, तो आइए फिर अब हम आपको इसके अज्जा बताते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमने तकरीबन 1/2 kg के करीब चिकन का कीमा लिया है। पहले हमने चिकन बोनलेस लिया था, उसको अच्छे से साफ करके और धोने के बाद हमने इसका कीमा बना लिया है। और इसके अलावा हमने देखें 2 से 3 अदद प्याज लिए हैं और इनका हमने पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश कर लिया है। तो ये चीज़ें अब हम साथ साथ इसमें ऐड भी करते जाएंगे। और ये है 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और साथ ही अदरक है, इसको भी हमने चॉप किया है, तो ये भी अब हम इसमें शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया इसमें हम ये थोड़ा सा ऐड करेंगे। और इसके अलावा ये देखें, ये एक अदद टमाटर, इसको भी हमने चॉप किया था। प्याज का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पानी निचोड़ के डालना है। और ये लहसुन का पेस्ट है। और खुश्क मसाले आप देख सकते हैं, इसमें सुर्ख मिर्च है, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर, और इसमें नमक है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब इन तमाम अज्जा को अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करके, हैंड मैंने पहले से वॉश किए हुए, तो इसको अब हम मिक्स करेंगे। और इनकी हम बॉल्स बना लेंगे मिक्स करके। मिक्सचर है हम सारा मिक्स करने के बाद उसकी देखें हम बॉल्स बना चुके हैं। हमने हाथ पर हल्का हल्का ऑयल लगाया क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी हो रहा था। तो बॉल हमने इनकी बना ली है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। हम अब कोफ्तों का मसाला रेडी करने लगे। उसके लिए हमने तकरीबन 4 स्पून के करीब ऑयल लिया है और हमने इसमें 2 अदद प्याज ली हैं दरमियाने साइज़ की, ये हमने चॉप कर लिया है इनको। और अब हम इनको उस वक़्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। प्याज देख सकते हैं अब ये गोल्डन होने वाली है। तो अब हम इसमें बाकी मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। अब हमने स्पून को मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये जले ना और सिर्फ गोल्डन हो। ये अच्छे से अब गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर बाकी मसाले डालेंगे। अब हम इसमें बाकी मसाले यूज़ करेंगे। इसमें डालेंगे हम नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। नमक और मिर्च ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। अच्छा, इसमें हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब दही डालेंगे। चिकन कोफ्तों में दही का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बीफ कोफ्ते में आप टमाटर ही यूज़ कीजिएगा सिर्फ, जबकि चिकन में अगर आप थोड़ी सी दही ऐड कर दें तो इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। और इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट वो शामिल करेंगे, वो भी हमने तकरीबन 1 स्पून के करीब ऐड किया है। अब इसको मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखें एक दो बार हम इसमें पानी का छींटा लगाकर और इसको मसाले को फ्राई कर लिया अच्छे से। तो अब हम इसमें जो हमने कोफ्ते बनाए थे वो ऐड करेंगे। ये देखें अब ये कोफ्ते हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसको बिल्कुल फ्लेम को लाइट करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इसमें अभी हमने स्पून नहीं चलाना। चिकन के कोफ्ते बहुत नरम होते हैं, जैसे ही आप स्पून चलाएंगे ये सारे टूट जाएंगे। अब आपने इसमें स्पून नहीं चलाना, आपने इसको 10 मिनट कवर करना है। कोफ्तों को दम पर रखे हुए तकरीबन 5 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको आराम से चम्मच की मदद से चला सकते हैं, क्योंकि अब ये टूटेंगे नहीं। देखें अब ये पक गए, अब इनकी शेप ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। और अब इस वक्त हम इसमें बारीक पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला वो ऐड करेंगे। और इसमें अब अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, तो ये मज़ेदार से आलू कोफ्ते बन जाएंगे। और अगर आपने इसको ऐसे ही खाना है तो फिर आप इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से। जैसी आप लोगों को ग्रेवी पसंद है उसके हिसाब से इसमें ग्रेवी कर सकते हैं। इसमें ये अच्छे से अब फ्राई हो गए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी ग्रेवी कर लेंगे। और अब हम इसको कवर कर देंगे। सिर्फ 5 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि शोरबा अच्छे तरीके से पक जाए और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। चिकन कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। इनको हमने 5 से 10 मिनट पकाने के बाद इसको हमने डिश आउट कर लिया। तो आप ये देख सकते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।